हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आर जी एस यूट्यूब प्लस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना गुड़ा बिना एल से भिन्न के सवाल कैसे हल करें। पार्ट टू में, पार्ट वन में मैंने करके दिखाया था, ट्रिक नहीं बताती, तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2/3 + 1, ये आपके सामने भिन्न दी रखी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक को सॉल्व करना है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये ट्रिक कब काम आएगी। ये ट्रिक तब काम आएगी जब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल संख्या दिखेगी या फिर उस संख्या के नीचे बटे में एक होगा। 2/4 + 4/1 या एक होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए एक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर एक के बाद 2, 3, 4 वाली संख्याएं ना हो तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक काम तभी करेगी जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल हो, सिंगल नंबर हो। मतलब कि जैसे कोई कह रहा था 2/4 में 5 जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, 7 जोड़ने हैं, उसके लिए ये ट्रिक ज़बरदस्त है। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। 2/3 + 1, ये होता है अंश, ये होता है हर, ये होता है अंश। तो 2/3 + 1 आपको करना है, ये होता है अंश, ये होता है हर। अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या को एक बार जोड़ना। 2 + 3/3 मतलब बराबर हो जाएगा 5/3। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अंश, ये हर, अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या को एक बार जोड़ना। तो 2 + 3 1 महीने, ये देख सकते हैं कि 3 महीने एक बार जोड़े हैं। 3 और 2 5/3 आप देख सकते हैं। अगर 2/3 + 2 होता तो आपको ये याद रखना कि यहाँ पर 2 है, बटे में कुछ नहीं है। 2/3 + 2 तो अंश वाली संख्या में 3 को दो बार जोड़ना। 2 + 3 + 3/3 = 3, 2 5 = 8/3 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो आपको ये चुटकियों में हल हो जाएगा। मुझे प्रैक्टिस पड़ी हुई है तो मैं बता सकता हूँ 3, 2, 5, 3, 8/3। दोस्तों, आप इसको ट्रिक भी करके याद रख सकते। अब दोस्तों, आप इसे अपने वाली तिरछी गुणा करके देख सकते हैं। 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8/3। इसी तरह दोस्तों, अगर एक दो और नंबर होते हैं तो 2/3 + 4 अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या को 4 बार जोड़ना है। तो 2, 3, 3 × 2 = 5, 3 × 8 = 3, 11/3। दोस्तों, अब आप इसको अपनी वाली ट्रिक से कर देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपको इसमें 4 जोड़ने हैं ना, तो 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14, 14/3। दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब आप इसको मैं आपको तिरछी गुणा करके बताऊँगा। 2 × 1 = 2 + 4 × 3 = 12 और 3 × 1 = 3, 12 × 2 = 14, 14/3। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको तुरंत हल कर लेंगे। ये ट्रिक इंटर वाले बच्चों के लिए कामयाब है, क्योंकि उसको समाकलन में उनके काम आएगी। समाकलन, अवकलन है, इन सब में काम आती है उनके। तो दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि ये मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी नई नई शुरुआत करी है, इसलिए कृपया मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही नई ट्रिकदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।